हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं है ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन सिक्स रोज का डिज़ाइन है, वही सिक्स रोज आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, जेंट्स स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक या आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पर ऐसे दिखता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 13 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 1 प्लस 2 एज स्टिच करना होगा। मल्टीपल आप 13 प्लस 1 प्लस 2, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 13 फंदों का डिज़ाइन है। यहाँ से यहाँ तक 13 फंदा करते जाना है आपको। देखिए साइड साइड में आपका हाफ डिज़ाइन बन रहा है इतना सा। इसमें मैंने 13 का मल्टीपल करके 26 प्लस 1 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 29 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। अब दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। अब जाली डालेंगे इस तरह से। अब चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर जाली डालेंगे इस तरह से। और दो फंदे से स्लिप करेंगे, फिर पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। और फिर दो फंदा सीधा, एक दो। अब एक रिपीट करना है आपको। आपको रिपीट करना है एज स्टिच को छोड़कर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो का एक करना है आगे की साइड से, यार्न ओवर, चार फंदा सीधा, दो चार, यार्न ओवर, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है। आपको फिर से रिपीट करना है यहाँ से। आपको धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। और दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। अब जाली डालेंगे इस तरह से। और चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर से जाली डालेंगे इस तरह से। और दो फंदे से स्लिप करेंगे, फिर पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब दो फंदा सीधा, एक दो। देखिए एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, ये उल्टा, एक ये दो। सेकंड रो दो फंदा सीधा, एक दो। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। धागा आगे, बारह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा। अब ये रिपीट करना है आपको एज स्टिच को छोड़कर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है बारह फंदा उल्टा, सॉरी ये दो फंदों को छोड़कर, एक दो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है बारह फंदा उल्टा, एक दो चार छ आठ दस ग्यारह बारह, बारह फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। आपको रिपीट करते जाना है। आपको बारह फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, आपको रिपीट करते जाना है। फिर से इन्हीं फंदों का आपको रिपीट करना है यहाँ से। बारह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एज स्टिच उल्टा। थर्ड रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा आगे, अब एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। धागा पीछे, एक फंदा सीधा,
अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। अब जाली डालेंगे इस तरह से, अब छह फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से जाली डालेंगे इस तरह से और दो फंदे से स्लिप करेंगे, फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब एक फंदा सीधा धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, दो का एक करना है आगे की साइड से यान ओबर, फिर छः फंदा सीधा, दो चार छः, फिर यान ओबर, फिर दो का एक करना है पीछे की साइड से, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। आपको इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है आपको इन्हीं फंदों को। यहाँ से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो का एक करना है आगे की साइड से, अब जाली डालेंगे इस तरह से, अब छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, जाली डालेंगे इस तरह से और दो फंदे से स्लिप करेंगे, पीछे से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब एक फंदा सीधा धागा आगे, एक फंदा उल्टा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, या लास्ट का एज स्टिच भी उल्टा। फोर्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए, एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, अब एक फंदा सीधा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, चार फंदा सीधा, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे, फिर चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ये दो फंदों को छोड़कर एक दो यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। चार फंदा उल्टा, दो चार, फिर चार फंदा सीधा, दो चार, फिर चार फंदा उल्टा, दो चार, फिर एक फंदा सीधा। आपको इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है आपको। यहाँ से धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट का एज स्टिच उल्टा। फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब इस दो फंदों बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, धागा पीछे, दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे की साइड से। अब जाली डालेंगे इस तरह से, अब दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे, अब चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, धागा पीछे, और फिर दो फंदा सीधा, दो। अब जाली डालेंगे यहाँ इस तरह से और दो फंदे से स्लिप करेंगे, पीछे से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करना है आपको, आपको रिपीट करना है। दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। दो का ही करना है आगे की साइड से यान ओबर, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर चार फंदा उल्टा, दो चार, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, यान ओबर, दो का ही करना है पीछे की साइड से, फिर एक फंदा उल्टा। आपको इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है, आपको आपको कितना बार रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है आपको। यहाँ से धागा पीछे, दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे की साइड से,
जाली डालेंगे इस तरह से, दो फंदा सीधा, एक दो, और फिर धागा आगे। अब चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे। अब दो फंदा सीधा, एक दो, धागा जाली डालेंगे इस तरह से, और दो फंदे से स्लिप करेंगे, पीछे से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। देखिए यहाँ से यहाँ तक, आपको यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन ख़त्म हुए, लास्ट का एज स्टिच भी उल्टा। सिक्स रो, एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। एक फंदा सीधा, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर धागा आगे, फिर चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा। अब ये रिपीट करना है आपको, ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है चार फंदा उल्टा, दो चार, फिर चार फंदा सीधा, दो चार, फिर चार फंदा उल्टा, दो चार, फिर एक फंदा सीधा। आपको इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है आपको यहाँ से, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको दो डिजाइन ख़त्म हुआ है, लास्ट का एज स्टिच उल्टा। देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन सिक्स रो का डिजाइन है, सिक्स रो में आपको ऐसे डिजाइन बन के आएगा। अब आपको यहाँ से वन रो स्टार्ट करना है, देन रिपीट करते जाना है आपको, वन टू सिक्स रो रिपीट करते जाने के बाद आपको ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।